सो so, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ हनी कॉम्बिंग से कि किसी भी वेयरहाउस में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में या किसी भी फुलफिलमेंट सेंटर में कॉन्सेप्ट ऑफ हनी कॉम्बिंग है क्या कहते किसे हैं और इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है देखें हनी कॉम्बिंग किसी भी वेयरहाउस का किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का या किसी भी फुलफिलमेंट सेंटर का एक ऐसा फिनना है या एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप स्टोरेज के लिए अवेलेबल स्पेस को कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पाते मीन्स हनी कॉम्बिंग से मुराद ये है कि जो भी एम टी स्पेस जो भी वैकेंट स्पेस आपके पास अवेलेबल है फॉर स्टोरेज ऑफ मटीरियल ऑल दो वो वैकेंट तो है और अवेलेबल भी है बट फिर भी आप उसे जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हनी कॉम्बिंग जो है ये तकरीबन तमाम वेयर हाउसेज तमाम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और तमाम फुलफिलमेंट सेंटर्स में पाई जाती है और ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ फिक्स लोकेशन सिस्टम जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं मटेरियल लोकेटर सिस्टम से रिलेटेड मेरी कुछ वीडियोस हैं और अगर चाहे तो वो वीडियोस आप देखना चाहें तो उन तमाम वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा नाउ बैक टू द टॉपिक हनी कॉम्बिंग को आप वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से या फुलफिलमेंट सेंटर से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हाँ इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं विद प्रॉपर लेआउट और स्टोरेज स्टाइल मिसाल के तौर पे एक फिक्स लोकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए पैलेटाइज स्टोरेज की एक पिक्चर आप देख सकते हैं जहाँ कुछ रैकिंग ग्राउंड के जो पिक फेसेस हैं वहाँ स्टोर हैं और कुछ में नहीं अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हनी कॉम्बिंग जहाँ फिक्स लोकेशन होने की वजह से आप कोई और मटेरियल उन एम टी पे स्टोर नहीं कर सकते रीज़न इज़ कि फिक्स लोकेशन सिस्टम में हम प्रोडक्ट को वहीं स्टोर करते हैं जहाँ उन प्रोडक्ट के लिए लोकेशंस असाइन की गई हैं सो अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हनी कॉम्पिंग इसी तरह आप एक और पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पैलेट पे स्टोर की गई जो प्रोडक्ट है उसकी स्टैकिंग हाइट ज़रूरत से ज़्यादा कम होने की वजह से जो अपर इंटायर स्पेस है वो एम है अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हनी कॉम्बिंग और ज़रूरत से ज़्यादा कम स्टैकिंग की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं लाइक पोअर क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग हो सकती है या लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक हो सकता है जो कि आपने उस लोकेशन पे स्टोर करना है हनी कॉम्बिंग की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं लाइक like, जब स्टोर किया जाने वाला प्रोडक्ट या स्टोर किया जाने वाला जो मटीरियल है वो डिफरेंट इन साइज़ हो डिफरेंट इन शेप हो या डिफरेंट इन करेक्टरिस्टिक्स हो इसके अलावा भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं लाइक like, जो भी मटीरियल आपने रिसीव किया है वो इनफ नहीं है उन फिक्स लोकेशंस को फिल करने के लिए या उस स्पेस को फिल करने के लिए जो स्पेस उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जो है वो असाइन की गई है तो भैया हनी कॉम्बिंग के जो इफेक्ट हैं वो वर्टिकल भी हो सकते हैं और वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और आपके वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स या फुलफिलमेंट सेंटर्स की जो स्पेस है चाहे वो स्क्वायर फुट में हो या चाहे वो क्यूबिक स्पेस हो दोनों का लॉस जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है एट लास्ट आई विल रिपीट इट अगेन कि भैया हनी कॉम्बिंग को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हां इससे आप मिनिमाइज जरूर कर सकते हनी कॉम्बिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का ईजीएस्ट वे यह है कि आप एमटी स्टोरेज लोकेशन को डिवाइड कर दें टोटल स्टोरेज लोकेशन से तो आपके पास एक सर्टन परसेंटेज आ जाएगी कि भैया जो भी आपका वेयर हाउस है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जो भी फुलफिलमेंट सेंटर है वहां आप कितने परसेंट हनी कॉम्बिंग जो है वो फेस कर रहे हैं आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू आर वेलकम इन कमेंट सेक्शन